छात्र वर्ग का साथ मिल रहा है और रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करेंगे। भोजपुर के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नामांकन फॉर्म भरा। बंसल न्यूज से बातचीत में राजकुमार पटेल ने कहा कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जनता इस बार जरूर कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। राजकुमार पटेल से बात की संवाददाता देवेंद्र चौहान ने। बड़े लंबे समय के बाद आप सक्रिय राजनीति में और आज नामांकन जमा किया, कैसे देखिए? देखिए, मेरा सौभाग्य कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और भोजपुर विधानसभा में जनता के बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। एक लंबा अरसा हुआ, 2006 में हमारा और शिवराज जी का मुकाबला हुआ था और चुनाव उस 2006 के बाद अब 2023 में इस बार भोजपुर से पार्टी ने मुझे आदेश दिया, तो हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में जब बदलाव की लहर है तो भोजपुर में भी बदलाव हो और हम यहाँ पर जो देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि भोजपुर में भी परिवर्तन हो रहा है। अनेक समस्याएं मिली, बिजली पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, बेरोजगारी, तमाम समस्या यहाँ पर। 1990 के बाद फिर एक बार राजकुमार पटेल भोजपुर विधानसभा आए, तो अब क्या एक नई रणनीति होगी, क्योंकि 1990 में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के सामने भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनके पुत्र आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि मैंने 1980 में कॉलेज में कदम रखा था और मैं 1980 से ही मैंने अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ा था और फुल टाइमर में 80 से हूँ। उस समय भी हम पचौरी जी सब लोग यहाँ पर जब पचौरी भाई के साथ काम करते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि भोजपुर मेरा स्कूल है और स्कूल में जो हमारा बचपन बीतता है तो उसको हम कभी हमेशा जीवन का वो हमारा एक सार्थक पहलू हमारे साथ होता है। तो भोजपुर हमारा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर हमारे अपने गांव भी थे जो बारना के डूब में गए, तो ये कोई हमारा नया क्षेत्र नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि साहब भोजपुर बाहर है हमारे, है ना। तो भोजपुर अच्छा है, बुद्धि अच्छा है, प्रदेश अच्छा है, बदलाव के रास्ते पे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रदेश संकल्पित। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गोहरगंज। और खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।